हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप यू आर फाइन एंड फीलिंग सेफ। वेलकम बैक हम सबके अपने यूट्यूब चैनल बीएमएस लेक्चर 17 में। आज का हमारा टॉपिक है अर्जुन। हम शुक्लगत रोग कर रहे हैं, तो अर्जुन क्या है, इसमें रक्तज दोष प्रधान रहता है और ये साध्य व्याधि है। वैसे तो मैंने आपको पहले ही बताई हुई है कि जितने भी आपके शुक्लगत रोग है वो सारे साध्य हैं। तो इसका इसमें क्या है, शुक्ल भाग में क्या होता है, जो आपका व्हाइट वाला पार्ट है, खरगोश के रक्त के जैसा एक बिंदु बन जाता है। ठीक है, मतलब खरगोश के रक्त के जैसा एक बिंदु बन जाता है, उसे अर्जुन बोलते हैं। तो शशक एको या एको मतलब एक, एको या शशक रुधिर उपमस्तु बिंदु, एक जैसा शशक की रुधिर की बिंदु होती है उसके जैसी शुक्लस्तो भवंती, शुक्ल स्थान पे हो जाती है, उसे अर्जुन बोलते हैं। ठीक है, एको या शशक रुधिर उपमस्तु बिंदु, कि एक शशक के रुधिर के जैसी बिंदु होती है और वो शुक्लस्तो भवंती, शुक्ल स्थान पे होती है, उसे अर्जुन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, ये एको या शशक रुधिर उपमस्तु बिंदु शुक्ल स्थानो भवंती तत् अर्जुन। इसका भाववर्ज जी बोलते हैं अशस्त्रकृत व्याधि, शस्त्र की जरूरत है नहीं है इसमें, और ये जो है ये खुद ठीक हो जाता है बेसिकली। तो इसमें बेसिकली आप ट्रीटमेंट क्या दे सकते हो, अश्वोतन आप करो, अम्ल वर्ग के द्रव्य अंजन आप कर सकते हो, इक्षु मधु शर्करा स्तन्या से और दारू हरिद्रा मुलेठी सेंधवादी से। ठीक है, तो अब आता है इसका मॉडर्न कोरिलेशन। मॉडर्न में आप इसको कोरिलेट कर सकते हो सब कंजक्टाइवल हैमरेज या फिर इकोमायोसिस। ये क्या होता है, हैमरेज हो जाती है अंडर बल्बर कंजक्टाइवल, बल्बर के अंदर अंदर अंडर होता है उसमें। ठीक है, कोज इसका ट्रॉमा से, कोई इन्फेक्शन से, इन्फ्लामेशन से, या मेंसुलेशन की वजह से हो सकता है, या हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है। मेंसुलेशन इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। टाइप्स इसके पैटिचियल हेमरेज, बेसिकली अगर हम बात करें ना अर्जुन को कोरिलेट करने की, तो पैटिचियल हेमरेज से कोरिलेट करते हैं। ठीक है, और भी इसके टाइप है, जैसे कंप्लीट हेमरेज, नेजल क्वाड्रेंट, या टेम्पोरल आते हैं। ट्रीटमेंट में इसका आएगा कोल्ड कंप्रेशन करना है, हॉट कंप्रेशन, और प्लेसिबो थेरेपी। प्लेसिबो थेरेपी विद आई ड्रॉप, मतलब कि अब आपके पास पेशेंट आया, आपको पता है कि ये खुद ठीक हो जाएगा, लेकिन आप अगर उसको कहोगे तो वो मानेगा ही नहीं, फिर कहेगा कि हाँ डॉक्टर के पास आने का क्या फायदा हुआ। तो आप उसको झुट्टी मुट्टी की कोई दवाई ऐसे दे दोगे जिसका कोई अहमी काम तो है नहीं है। ठीक है, सिंपल सी है, पानी ही है कुछ सिंपल। तो आपको प्लेसिबो थेरेपी करनी है, जुगुप्सा चिकित्सा आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि ये खुद ठीक हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो तो उसका मन रखने के लिए आप उसको मेडिसिन दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर आपके इसमें कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना, और जिस भी स्टूडेंट को मेरी फोर्थ ईयर की ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है किसी भी सब्जेक्ट की, या फिर जिसको पीजी की प्रिपरेशन की क्लासेस ज्वाइन करनी है, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हो BMS Lectures 17, और आप मुझे पर्सनली जीमेल भी कर सकते हो BMSLectures910@gmail.com पे। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर कमेंट ऑन माई वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।